मंगल गान होने लगे, क्योंकि मैया पार्वती का जन्म हुआ था, उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तो कहा लल्ली की सुनी के में आई, जिन भक्तों को खुशी हो मैया पार्वती के जन्म की वही लोग खड़े हो जाएं, और जिन्हें नाराजगी हो तो कोई बात नहीं। लल्ली की सुनी के में आई, ओ मैना मैया दे दो बधाई। दे तो बधाई लाल की सुने की मियाई, मीना मैया दे तो बधाई। खड़ी हो जाओ अपनी अपनी जगह पे भैया, और भैया पीछे कैमरा भी घुमा दिए थोड़े। मैया पार्वती का राजा हिमांचल के यहाँ जब जन्म हुआ, अवतार हुआ उनका, तो उनके घर
बड़ी खुशी मनाई गई, क्योंकि जिन भक्तों को बेटियां प्यारी होती हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, और जिन्हें बेटे प्यारे ज्यादा होते हैं उन्हें जब बेटियां पैदा होती हैं तब बहुत ज्यादा दुख हो जाता है। लेकिन हमने एक बात देखी है, जरूर क्या देखी है कि जिस घर में बेटी पैदा होगी सिर्फ उस घर में खुशी नहीं मनाई जाती है, और जब पड़ोसी सुनते हैं ना कि भाई घर में लल्ली पैदा की तो बड़ी खुशी मनाता, क्यों? क्योंकि वो दुखी होते हैं, क्योंकि उनके घर में मतलब बेटी पैदा होगी इसलिए वो खुशी मनाते हैं, अच्छा हुआ बेटा नहीं हुआ, अच्छा भाव। बाहर वाले खुशी मनाते लेकिन घर वाले दुख हो जाते। पैदा होता तो बाहर वाले दुखी हो जाते हैं, सिर्फ घर वाले खुशी मनाते हैं। तो बेटी के वोट ज्यादा पड़ते हैं और बेटियों के कम पड़ते हैं। और ये हमारी नीलम बहन जी, हमारी बड़ी दीदी, फूलों के हार से और नोटों के हार से हमारा सम्मान कर रही है। भगवान को हमेशा सुख शांत रखे, लक्ष्मी बहन के भंडार को भरती रहे। आप बैठ तो गई हो एक जगह जाके, लेकिन खड़ी हो जाओ। देखो भैया, पार्वती का जन्म हुआ है, ऐसे सुस्त बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। तो नृत्य गायन मंगल गायन होने लगे तो बताया कि ऐसो गानो बरसानो गाम बरसानो जहां श्याम वीर में गए सो गाम बरसानो जहां श्याम वीर में गए सो
सच्चे दरबार की। मैया पार्वती का जब अवतार हो गया उस समय राजा हिमांचल को बहुत खुशी थी। जब राजा हिमांचल को बहुत खुशी थी तो आपको कितनी खुशी है? कितनी है? जिन जिन को खुशी है वो ऊपर हाथ करें। खुशी है मैया पार्वती का अवतार हुआ है, लेकिन वह खुशी ना बैठी दांत पर, क्योंकि मैया का अवतार हुआ है। जब मैया पार्वती धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो एक बार ब्रह्मा पुत्र नारद राजा हिमांचल की नगरी में आए, तो हाथ में बीड़ा है और बीड़ा को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए गाते हुए आए। किसी मन नारायणी नारायणी नारायण, हाथ उठा करके बोलो, क्योंकि बोलने को दीजवा पर बोलता नहीं, लेने को हरि का नाम मुख खोलता नहीं। आज का ना बोलना उस वक्त याद आएगा, बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, इसलिए बार बार कहते कि बोलो, संकीर्तन में बोला करो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन, बोलो छोटा या बड़े का भेद मत मानो और दोनों हाथ उठाओ।